हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसए लाइव। दिस इज सचिन कपूर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। एचटीएमएल सीएसएस हमने कवर अप कर लिया है, जावास्क्रिप्ट ऑनगोइंग है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि इसमें एग्जैक्ट सीक्वेंस हमें क्या रखना है, किससे शुरू करना है, उसके बाद क्या कवर अप करना है, बीच में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी गाइडेंस आपको दूंगा, पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा कि आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी किस तरीके से कंटिन्यू करें, कहां से शुरू करके कहां पे आप उसको एंड करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेब डेवलपमेंट होता क्या है। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे कोड्स लिखना जिन्हें आप इंटरनेट के ऊपर, जिन्हें आप सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाए और उनके रिजल्ट्स एंड यूजर को अपने ब्राउजर पे देखें। जैसे मान लीजिए हम फेसबुक की बात करते हैं। अब आप बताइए, क्या फेसबुक का कोड आपके कंप्यूटर पे होता है? नहीं होता है ना। फेसबुक का कोड फेसबुक के सर्वर पे होगा। आप अपने ब्राउजर पे आकर लिखते हैं www.facebook.com और जैसे ही आप ये हिट करते हैं फेसबुक के सर्वर को, कुछ कोड वहां रन होता है और आपको फेसबुक की वेबसाइट आपके ब्राउजर पे दिख जाती है। तो जिसे आप आमतौर पर वेबसाइट बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेब डेवलपमेंट, या वेब डेवलपमेंट की जगह हम उसको वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या क्या होता है, मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम या अमेजोन इस तरीके की अगर एप्लीकेशंस बनानी है, मोबाइल ऐप नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वेब एप्स की, तो मुझे क्या डेवलप करना है, क्या सीखना पड़ेगा? तो दोस्तों, जनरली एक वेब एप्लीकेशन डेवलपर को तीन चीजों पे काम करना पड़ता है। नंबर वन कहलाता है फ्रंट एंड, नंबर टू कहलाता है बैक एंड, एंड नंबर थ्री अपने आप में कहलाता है डेटाबेस। इसके अलावा और भी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, बट जो प्राइमरी कॉन्टेंट होता है आपके वेब डेवलपमेंट में, वो ये तीन चीजें होती है, फ्रंट एंड, बैकएंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड, जैसा कि नाम बता रहा है आपको, ये वो पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन का या वेबसाइट का जो किसी भी वेबसाइट को खोलने के बाद एंड यूजर के सामने सबसे पहले नजर आता है। से फॉर एग्जाम्पल, आपने Amazon ओपन करी, तो जैसे ही आपने कहा www.amazon.in, आपके सामने एक वेब पेज आता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट एंड। अब दो मिनट के लिए रिकॉल करके देखिए क्या क्या दिखता है आपको उस वेब पेज पे। तो आप बोलोगे सर, इमेजेस दिखती हैं, कंटेंट दिखता है जिसमें कुछ टेक्स्ट होता है, वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं, ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट। अब ये फ्रंट एंड पार्ट बनता कैसे है? ये फ्रंट एंड पार्ट तीन प्राइमरी टेक्नोलॉजी से बनता है, जिनमें से एक का नाम होता है HTML, फुल फॉर्म मेरे ख्याल से बहुतों को पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक होता है CSS, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होती है जावास्क्रिप्ट। HTML क्या है दोस्तों? HTML वो लैंग्वेज है जिसके मदद से आप अपनी वेबसाइट का स्केलेटन, कंटेंट तैयार करते हैं। मतलब आपको अपनी वेबसाइट पे क्या दिखाना है, दैट इज मेनली डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ HTML। टेबल दिखानी है कि इमेज दिखानी है, या आपको अपने कंटेंट में वीडियो दिखाना है, ऑडियो दिखाना है, क्या दिखाना है, ये चीजें डिसाइड करती है HTML, राइट। इसके बाद इनको सुंदर बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अपन यूज करते हैं CSS। एक एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे बटन चाहिए, ये HTML डिसाइड करेगी। मुझे बटन की क्या साइज चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या लोकेशन चाहिए, ये डिसाइड करने का काम करेगी CSS। मैं अपने घर से कंपेयर करूं तो मेरे घर में एक स्विच बोर्ड होना चाहिए, ये HTML है। उस स्विच बोर्ड की क्या लोकेशन होगी, लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा, कितना ऊपर कितना नीचे, ये डिसाइड करने का काम करेगी CSS। अब बात आती है दोस्तों जावास्क्रिप्ट की। स्विच बोर्ड लगा लिया, स्विच बोर्ड की पोजीशन सेट कर दी, पर क्या स्विच बोर्ड पे बटन को क्लिक करने पर या ऑन करने पर फैन चलेगा, लाइट चलेगी? दिस एक्टिविटी इज नोन एज इंटरैक्शन, और ये इंटरैक्टिविटी आपके वेब पेज में लाती है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो इमेजिन करिए, आपके सामने Amazon ओपन है, एक बटन है जिस पे लिखा है ऐड टू कार्ट। जैसे ही उस बटन पे आप क्लिक करते हैं, आपका आइटम कार्ट में ऐड हो जाता है, दिस इज जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट जावास्क्रिप्ट डज इज इट एड्स इंटरैक्टिविटी टू योर वेब पेज। विदाउट जावास्क्रिप्ट आपकी एप्लीकेशन काम तो करेगी, लेकिन वो यूजर से बात नहीं करेगी, यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, करेक्ट। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रंट एंड इज जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, और ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही आपकी वेब एप्लीकेशन को इतना ज्यादा यूजफुल, इतना ज्यादा इंटरेक्टिव और इतना ज्यादा बनाती है यूजर फ्रेंडली। ये तीन चीजें दोस्तों हो गई हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट। अब इसमें जनरली स्टूडेंट्स आते हैं कि किसमें कितना टाइम मुझे देना चाहिए, तो मुझे लगता है HTML आप 10 दिन में कवर अप कर सकते हैं। HTML की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा HTML कंटेंट कवर अप करा हुआ है, कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, किस टैग की क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ उसमें मैंने बताया है। उसके बाद तकरीबन 15 दिन के आसपास आप CSS को दीजिए, ये हो गए टोटल आपके 25 डेज। इसमें आप अपना HTML CSS का कंटेंट कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पॉज दीजिए, एकदम से JS पे मत जाइए, पहले HTML CSS में खूब सारे प्रोजेक्ट्स बनाइए। खूब सारे से मेरा मतलब, आप ये मत देखिए प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट से शुरू करिए, क्योंकि मैंने देखा है आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं,
कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक बिगनर पहली बार में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे नहीं जा सकता। आप बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, जिससे आप थोड़ा सा यूआई बनाना सीख लो, थोड़े एलिमेंट्स की पोजीशन वगैरह सेट करना सीख लो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एचटीएमएल और सीएसएस पे। इसके बाद शुरू करिए फ्रेंड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जावास्क्रिप्ट, जो मैंने कहा, और इसको तकरीबन आप दीजिए 1 से 1.5 महीना। जावास्क्रिप्ट में कुछ टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं जिन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हमारी सीरीज में वो टॉपिक आने ही वाले हैं, जैसे कॉल बैक्स हुआ, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हुई, प्रॉमिसेस हुए, ये जावास्क्रिप्ट की दोस्तों बैकबोन है इंडस्ट्री में, जहां जावास्क्रिप्ट यूज होती है ना, ये सारे टॉपिक्स वहां पर मेनली प्राइमरी यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बड़े आराम से जावास्क्रिप्ट को आप 1 से 1.5 महीना दो, डिपेंडिंग ऑन योर लर्निंग स्पीड। और एक बार जावास्क्रिप्ट आपकी हो गई तो आपका फ्रंट एंड का मेजर पार्ट कवर हो गया। अब क्या करना है, अब इन तीनों को यूज करके अपन को डेवलप करना है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, कंप्लीट फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट। अब इसमें बैक एंड शामिल नहीं हुआ है। अब आप कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आप म्यूजिक प्लेयर्स बना सकते हैं, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, कुछ गेम्स वगैरह बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट सीख करके, तो बहुत कुछ आप सीख जाओगे, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मत सोचिए सर ये प्रोजेक्ट तो मैं रेज्यूमे में ऐड कहाँ कर पाऊंगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये रेज्यूमे के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्योंकि आप यकीन मानिए जितना आप पढ़कर नहीं सीखते हैं उससे दुगना आप प्रोजेक्ट डेवलप करके सीख पाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पढ़ते वक्त स्किप हो जाती हैं या समझ नहीं आती कि इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम कोड लिखने बैठते हैं ना तब हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और इन प्रोजेक्ट्स में जैसा मैंने कहा टू डू लिस्ट वगैरह तो आप बनाइए, एक जरूर एपीआई कॉलिंग का प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन से किसी सर्वर से कुछ डेटा बुलवाकर उसको शो कर रहे हैं अपनी ऐप पे। वेदर ऐप हो सकती है, मूवी रिलेटेड ऐप हो सकती है, इतनी सारी APIs हैं जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, आप उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाकर अपनी एप्लीकेशन में शोकेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां बूस्टअप हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट कवर अप हो गया। अब आप चाहो तो पैरेलली बूटस्ट्रैप, टेलविंड ये कर सकते हो, बट अभी मैं इन पे नहीं जा रहा हूं। अब अपन चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज रिएक्ट, जिसके बिना फ्रंट एंड की नॉलेज आज मॉडर्न एरा में अधूरी है। हालांकि जरूरी नहीं आप सिर्फ रिएक्ट ही करें, आप एंगुलर की तरफ जा सकते हैं, व्यू की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप गूगल ट्रेंड्स पे जाकर अगर चेक करेंगे ना, आज भी 2024 में भी रिएक्ट इज द मोस्ट इन डिमांड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। राइट? क्या है रिएक्ट? रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो फेसबुक या मेटा ने डेवलप करी है, जो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस डेवलप करने में हेल्प करती है। अभी थोड़ा टेक्निकल जार्गन हो रहा है, घबराइए मत, जब आप पढ़ेंगे ना तब आप समझ जाएंगे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन अपने आप में क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जीमेल एक सिंगल पेज ऐप है, इंस्टाग्राम एक सिंगल पेज ऐप है, इन सबको डेवलप करने के लिए हमें रिएक्ट जैसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। आराम से रिएक्ट को भी आप 1-1.5 महीना दीजिए और फिर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाइए रिएक्ट की मदद से। हो सकता है जो आपने प्रीवियस प्योर जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाए हो उन्हें अब आप रिएक्ट में कन्वर्ट करें। इससे आपको पता चलेगा रिएक्ट कैसे आपके वेनिला जावास्क्रिप्ट के कोड्स को और ज्यादा बेटर, और ज्यादा इजी, और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देती है। तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट। बट दोस्तों हमें कंप्लीट वेब डेवलपर बनना है, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना है एंड टू एंड। खाली फ्रंट एंड से बात नहीं बनेगी, अब आपको जाना पड़ेगा टुवर्ड्स बैक एंड, जो ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया भी माना जाता है। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में दोस्तों हम वो कोड्स लिखते हैं जो फ्रंटएंड को कंटेंट सप्लाई करते हैं, फ्रंटएंड को डेटा सप्लाई करते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा था वेदर ऐप बनाने की, तो वेदर ऐप का डेटा दिखाने वाला काम तो फ्रंटएंड कर देगा, बट वेदर ऐप का जो एपीआई है, जो डेटा जनरेट करने वाला काम है, वो काम हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैकएंड। अब बैकएंड में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप बैकएंड जावा पे कर सकते हैं, आप बैकएंड पाइथन पे कर सकते हैं, आजकल पीएचपी पे भी लोग काम कर रहे हैं, हालांकि पीएचपी थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है बट वापस अब मार्केट में आ रही है, और आप चाहें तो बैकएंड जावा स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। खाली यही चार नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे रूबी वगैरह, बट प्राइमरीली आप देखेंगे मार्केट में 3 पे बहुत ज्यादा काम होता है, जावा स्क्रिप्ट, जावा और पाइथन। अब जावा और पाइथन में बैकएंड करने के लिए आपको इनका कोर पार्ट भी करना पड़ेगा। अगर जावा में बैकएंड करना है तो कोर जावा करिए, उसके बाद जावा का बैकएंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जावा का स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट जरूर जरूर करिए। सेम थिंग गोज विद पाइथन, कि आप पहले कोर पाइथन पढ़िए, फिर आप पाइथन का बैकएंड जिसको जेंगो या फ्लास्क के नाम से जाना जाता है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप जावास्क्रिप्ट में जाना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फ्रंट एंड में आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, बैकएंड में मुझे लगता है बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी का नाम आप सबने सुना होगा वो है नोड, नोड के साथ एक्सप्रेस, ये दोनों चीजें आप अपने बैकएंड वाले पार्ट पे कवर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप बैकएंड पे कोड लिखना, APIs बनाना, इस तरीके की चीजों को रिक्वेस्ट हैंडल करना, रिस्पॉन्स जनरेट करना, इस तरीके की चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे एक बैकएंड डेवलपर फ्रंटएंड डेवलपर के साथ कोऑर्डिनेट करता है या फ्रंटएंड टेक्नोलॉजीज के साथ कोऑर्डिनेट करके डेटा उनको सप्लाई करता है।
ये हो गया हमारा बैकएंड वाला पार्ट, ठीक है। अब आ जाइए वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, जिसको मैंने देखा है लोग जरा कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बट यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है आपका डेटाबेस वाला पार्ट। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस वो होता है जहां सारा डेटा जाकर स्टोर होता है, सारा डेटा जाकर मैनेज होता है, और आपका बैकएंड कोड डेटाबेस से ही ये डेटा पुल करता है। एग्जांपल के तौर पे एक रजिस्ट्रेशन पेज को दिमाग में इमेजिन कीजिए। आपने किसी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करा, आपने उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करी, बटन क्लिक करा रजिस्टर मी पे, ये पूरा डेटा जाएगा टुवर्ड्स द बैकएंड। ये जो पेज है ये तो फ्रंट एंड का है, डेटा जाएगा बैकएंड के पास, बैकएंड पे कोड लिखा जाएगा जो इस डेटा को फ्रंट एंड से पुल करेगा और डेटाबेस में कर देगा सेव। डेटाबेस में सेव क्यों करना है? क्योंकि मैं बार बार थोड़ी रजिस्टर करूंगा, मैं रजिस्टर करूंगा साइट पे जाकर एक बार, तो वो डेटा परमानेंटली कहीं सेव होना चाहिए, उसको अपन लोग बोलते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस प्राइमरीली आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक एसक्यूएल डेटाबेसेस, एक नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, और मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों पढ़े। एसक्यूएल डेटाबेसेस में आप ओरेकल या MySQL पढ़ सकते हैं, नो एसक्यूएल में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट देयर इज ओनली वन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसको हम लोग बोलते हैं MongoDB। तो आप MongoDB जरूर करिए। हाँ, MongoDB के साथ जो कनेक्टिविटी है वो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से मिलती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट करते हो तो MongoDB उसमें बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड होता है, उसी का नाम होता है बाय डिफॉल्ट मर्न। तो मर्न में जो आप एम देखते हैं ना, या मीन में जो आप एम देखते हैं ना, दैट इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर MongoDB डेटाबेस, जो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। हो गया अब आपका डेटाबेस वाला पार्ट हो गया। अच्छा, एसक्यूएल को लेकर भी बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग। एसक्यूएल दोस्तों एक लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस से इंटरैक्ट करना सिखाती है, और जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं उनमें एसक्यूएल की जगह पर दूसरी लैंग्वेज यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं, जो मेनली प्राइमरीली आप देखोगे जेसन जैसी टेक्नोलॉजीज या चीजें होती हैं जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस से आपको कम्युनिकेट कराती है। जब आप पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें, सारा जार्गन आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब अपन ने बैकएंड कर लिया, अपन ने एसक्यूएल पढ़ ली, अपन ने नो एसक्यूएल MongoDB पढ़ लिया, करेक्ट। अब आप बैकएंड की नो एसक्यूएल या एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करेंगे। हर टेक्नोलॉजी आपको एक कनेक्टिविटी ऑफर करती है। जावा में आप स्प्रिंग पे जाएंगे तो वो आपको कनेक्टिविटी देगा, आप JDBC भी यूज कर सकते हैं जावा में एसक्यूएल डेटाबेसेस से कनेक्ट होने के लिए, और मर्न में तो बाय डिफॉल्ट आपको कनेक्टिविटी मोंगो डेटाबेसेस से मिलती ही मिलती है। हो गया, अब ये आपका कंप्लीट एंड टू एंड पार्ट पूरा हो गया है। अगर आपको लग रहा है सर बैकएंड में कितना समय लगेगा, मेरे ख्याल से 2 महीने के आसपास आप अपना कंप्लीट बैकएंड कर सकते हैं, जिसमें बैकएंड वाला पार्ट भी और डेटाबेस वाला पार्ट भी शामिल है। अब ये सब करने के बाद दोस्तों, नाउ इट इज द टाइम टू डेवलप अ कंप्लीट एप्लीकेशन, राइट। सबसे पहले कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाइए जो किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का क्लोन होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्लोन बनाने को मना करते हैं, बट मेरा ये मानना है एक बिगनर के लिए मना कुछ भी नहीं है। आप जितना करें ना एज अ बिगनर, आपके लिए वो कम है। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो अगर आप एक बिगनर हो, कभी कुछ नहीं कराया, पहली बार यू आर गेटिंग योर हैंड्स वेट, तो आप अब सबसे पहले कोई क्लोन बनाइए। इट कुड बी अ नेटफ्लिक्स क्लोन, इट कुड बी अ यूट्यूब क्लोन, बट वो फुली फंक्शनल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम फ्रंट एंड बना रहे, कंप्लीट बैक एंड हमको बनाना चाहिए सब कुछ सीखने के बाद। और जब ये सब आप कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कैसे एक वेब एप्लीकेशन एंड टू एंड काम करे। Got it? ये सब हो जाने के बाद फिर थोड़े से टूल्स और पढ़िए, क्योंकि मार्केट में जब आप उतरोगे तो आपको गिट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, गिटहब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये सीखिए, कम से कम इतना सीखिए कि अपने कोड को पुश कैसे करते हैं अपन, ताकि उसको अपन यूज कर पाए, रिपोजिटरीज कैसे बनाते हैं, और कोड कैसे हम दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। इतनी चीजें आपने कर ली ना, तो आप इंडस्ट्री रेडी माने जा सकते हैं। इसके अलावा फिर वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करना है, वेबसाइट को होस्ट कैसे करना है, ये चीजें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब लास्ट की बातें, सबसे पहले तो ये बात आती है कि हम लर्निंग में क्या क्या करेंगे। तो मैंने बताया आपको एक्सटर्नल से शुरू करके अपनी लर्निंग खत्म करनी है ऑन डेटाबेसेस, और ये आपने कर लिया ना फ्रेंड्स, तो आप बन जाएंगे कंप्लीट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपर। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत अच्छा इंसाइट दिया होगा, आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, किसके बाद क्या टेक्नोलॉजी पढ़नी है, मेनली किस टेक्नोलॉजी पे आपको कितना समय देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ क्लैरिटी दी होगी, कैसे आप अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, कहां से लेकर कहां तक आपको जाना है। इन केस कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो फील फ्री टू पुट अप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, बट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और इसको खूब सारे दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सबको पता चले उन्हें किस तरीके से आज 2024-25 आने वाले सालों में अपनी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जर्नी को कंटिन्यू करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।